हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अच्छम शेफ सुनैना में। आज का टॉपिक है एग्जीक्यूटिव शेफ जल्द से जल्द किस तरीके से बना जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, वो भी जल्दी। तो आप सोच रहे कि एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए किस क्या क्या करना पड़ता है और किस तरीके से जल्दी से एग्जीक्यूटिव शेफ के लेवल तक मैं पहुंच जाऊं। तो एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए आपको एक तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आपको जल्दी आपको जो है एग्जीक्यूटिव शेफ का लेवल अचीव करना है तो आपको जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि 2 साल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है और कहीं पर जो है 1 ईयर की भी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग के बाद आपकी जो है एक अच्छी पोस्ट लग जाती है, सीधा आपकी CDP या जूनियर सू शेफ की एक आपकी जो है पोस्ट लग जाती है। उसके बाद जो है आपके पास सिर्फ 2 स्टेप जो है आपके पास होते हैं। अगर आपकी जूनियर सू शेफ की लगी, फिर आपके पास सू शेफ एंड उसके बाद जो है एक जो हो CDC, उसके बाद सीधा आपकी एग्जीक्यूटिव शेफ की जॉब लग जाती है और आप एक दिन एग्जीक्यूटिव शेफ 2 साल में बन जाते हो जब आप MT कर लेते हो। दूसरा, आप जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अलावा जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप कर लेते हो, उसके बाद जो है आप जैसे CDP या फिर जूनियर सू बन जाते हो, आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है एक स्टाफ को, एक किचन को, और किस तरीके से जो है मेन्यू सेट किया जाता है, ये सब आपको देखना होता है। किस तरीके से टीम वर्क की तरह एक काम करना होता है। अगर सपोज आप एक सू शेफ है या फिर जूनियर सू शेफ है, आप कौमी का भी जो है उसको सिखाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे, चाहे कौमी थर्ड है चाहे कौमी सेकंड है। अगर उससे वो काम नहीं हो रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो ये डिश किस तरीके से बनाए, तो आप उसकी हेल्प भी करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप एक टीम वर्क की तरह जब मिलके चलते हैं तो फिर आप जो है एक दिन एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं। उसके अलावा जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो है इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में ये नहीं कि आपको बोलना ही आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि हर काम जो एक एग्जीक्यूटिव शेफ का जो है लिखने का भी होता है कि जैसे कोई मेल करनी या कोई भी जैसे टाइप करना, कोई भी इधर से उधर भेजना, GM को भेजना, ऊपर कॉर्पोरेट में भेजना या फिर HR को कोई मेल करनी, तो वो सब जो है आपको लिखना आना चाहिए और इंग्लिश में अच्छी उससे, तो ये सब जो है आपको आना चाहिए। तो इसलिए ये जब सारी चीजें आपको आती है तो आप जल्द से जल्द जो है एग्जीक्यूटिव शेफ का लेवल अचीव कर लेते हैं। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए जो है आपको जो है एक अच्छी मतलब नॉलेज होनी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक किचन का, और ज्यादातर जो है कॉन्टी किचन का, क्योंकि कॉन्टी किचन के जो शेफ होते हैं वो जल्द से जल्द जो है वो एग्जीक्यूटिव शेफ का लेवल अचीव कर लेते हैं। मैं ये नहीं करी कि एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए कॉन्टी किचन ही बेस्ट है, आप इंडियन किचन में शेफ है तो आप एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं, बट जो कॉन्टी किचन के जो शेफ है ज्यादा से ज्यादा जो है आपने कहीं पर भी देखा होगा, जितने भी एग्जीक्यूटिव शेफ है वो कॉन्टी के शेफ होते हैं, क्योंकि कॉन्टी की जो रेसिपी होती है, कॉन्टी की जो डिश होती है ना, उसकी गार्निशिंग, उसकी जो डिजाइन जो है वो काफी जो है अलग होती है, उनकी प्रेजेंटेशन भी सबसे अच्छी होती है और दिखने में भी वो यूनिक एंड टेस्टी लगते, देख के ही मन करता है कि उनको खाया जाए, चाहे उनका टेस्ट कैसा भी हो पर यूनिक लगते हैं देखने में। और जो है इंडियन के जो शेफ होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं, जब उनके पास जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग उन्होंने कर ली है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उनका कंप्यूटर का जो है काम आता है, तो वो भी जो है और एक टीम वर्क की तरह वो काम करते हैं, वो भी एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं। और आप अगर कैफे में काम करते हैं, फ्रंट पे आप काम करते हैं, तो आपको जो है एग्जीक्यूटिव शेफ भी आप बन सकते हैं, क्योंकि जब आप कैफे में काम करते हैं आपको हर चीज की नॉलेज होती है, क्योंकि कैफे में जो है एक बफे होता है और बफे में सब डिश लगी होती है, उसमें इंडियन भी लगा होता है, चाइनीज भी लगा होता है, उसमें कॉन्टी भी लगा होता है, और यहां तक कि तंदूर, बेकरी, हर चीज उसमें लगी होती है, और वो सब
डेली आप उसको पढ़ते हो, रीड करते हो और आपकी एक तरीके की वो लर्निंग भी हो जाती है और फिर आपको हर चीज की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के बाद जो है आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेकरी के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंडियन के बारे में पता होना चाहिए, आपको कॉन्टी के बारे में मीन्स ऑल कुजिन के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, तो आप एग्जीक्यूटिव शेफ जो है जल्दी से बन जाते हैं अगर आप कैफे में फ्रंट पे भी अगर आप जो है अपनी ड्यूटी देते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए आपके अगर आपको जल्दी बनना है तो आपको एमटी करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।